अभी आप पूछ सकते हो, अभी थोड़ा सा यहाँ से है, अभी कुछ भी लग रहा है तो आप पूछिए पूछिए, मैं हम सब नोट कर रहे हैं आपके सवालों को, सारे जवाब देंगे। नहीं भी नहीं तो आप जब भी मेरे को कॉल करोगे, जब भी आप में कोई भी कभी भी कंफ्यूजन होगी मेकअप से रिलेटेड, कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आप वाराणसी बस लखनऊ अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के वर्कशॉप्स भी अभी लगने होने वाले हैं, अदरवाइज अगर वर्कशॉप यहाँ पे नहीं भी है तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन आइए, आप वीडियो कॉलिंग करिए, आप मैसेज करिए, मेकअप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कभी भी हमारे चैनल को देखा होगा हम बहुत डीपली नॉलेज देते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सेमिनार कराते रहते हैं, तो कभी भी नॉलेज के लिए हम कुछ भी छुपाते नहीं है, आप हर चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तभी भी नहीं कि हमारा स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लाइनर लगाते हैं, तो हमें लाइनर माइक्रो लाइनर लगाना है, जो हमारी लेसेस है, लेसेस के अक्सर लोग लगाते हैं तो स्किन दिखती है, जब आप ये खोलते हैं ना तो स्किन दिखती है, वो स्किन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। तो जब हमें लाइनर लगाना है तो बिल्कुल लेसेस के ऊपर यहाँ पे एकदम गहराई से हमें माइक्रो लाइनर लगाना है। एंड ऑफ लेसेस तक सिर्फ माइक्रो लाइनर लगा के छोड़ना है, बाद में हम उसको ब्लेंड करेंगे। मैंने आई मैजिक का लाइनर यूज किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आई मैजिक भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मीडियम रेंज में, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, सॉफोरेल, आई मैजिक, ये सब ये हमारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ये सब भी आप यूज कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट हों तभी हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। आई मैजिक का जो आईब्रो डिफाइनर है वो भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल एनेस्थीसिया का मैं यूज करती थी, एनेस्थीसिया जैसा ही है, तो आप करके देखो बहुत ही अच्छा है। अभी ये हो गया, तो अभी क्या है आजकल जो हमारे लाइनर्स हैं ना उनको ज्यादातर ब्लेंडेड चल रहे हैं, ब्लेंडेड लिखने के लिए हमने ये ब्रश को लिया है और जेल लाइनर पे डिप किया, आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे एक आजकल एंजल लाइनर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एंजल लाइनर अगर मैं इसको लगाऊंगी तो इनकी आंखें और बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बड़ी है। ये आपने जो एक पॉइंट बनाया उससे कितना इजी हो गया प्रॉपर लाइनर लगाना। गाइडलाइंस बहुत जरूरी है, हम जब भी काम करते हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते रहे ना तो हमारा काम हमेशा सिमिलर होगा। सब लोग अंदर बैठे हैं, इधर मेरे हस्बैंड इधर आके बैठे हैं और ड्राइवर शायद उधर पार्क नीचे पार्क नहीं था, पार्क उधर कहीं पार्क में गए, क्या कर रहे थे?